अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ माजिद सलीम खान फ्रॉम समिट स्टेट एंड बिल्डर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए ग्रीन पाम्स गवादर हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट्स लेकर आया हूँ। ग्रीन पाम्स गवादर रफ़ी ग्रुप का प्रोजेक्ट है और रफ़ी ग्रुप रेनाउंड ग्रुप है। 1978 से मार्केट में है। आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स में इन्होंने इनिशिएटिव लिए सारे 100% डिलीवर्ड हैं। यहाँ पर भी इन्होंने एग्जाम्पल सेट किए गवादर में, सबसे बड़ा अप्रूवल, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट रफ़ी ग्रुप की है ग्रीन पाम्स में। इन्हीं रीजंस की वजह से समिट स्टेट रफ़ी ग्रुप का पार्ट बना और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऑल ओवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव सेल्स पार्टनर हैं ग्रीन पाम्स गवादर ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में। और जिन कस्टमर्स ने हम पे ट्रस्ट किया, ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में बुकिंग करवाई, आज मैं उनके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। 29 अक्टूबर 2022 इंशाल्लाह इसका बैलेटिंग होने जा रही है। जिन्होंने इसमें बुकिंग करवाई थी उनके अब फाइल्स प्लॉट्स में कन्वर्ट होने जा रही हैं। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अभी भी बुकिंग करवा लेंगे और साथ बैलेटिंग अमाउंट पे कर लेंगे तो आप ये जो कमिंग 29th को इंशाल्लाह इसकी बैलेटिंग होने जा रही है उसमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें लकी ड्रॉ का भी फंक्शन है। जो लोग इस बैलेटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑलरेडी, जो ले चुके हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो अभी भी बुकिंग करवाएंगे और इसमें बैलेटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें ये प्राइजेज दे रहे हैं। इसमें गाड़ी है, मोटर बाइक्स हैं, कैश प्राइजेज हैं, LED है, फोन्स हैं, तो ये भी एक बड़ा अच्छा फन फेयर करते हैं, बड़ा अच्छा फंक्शन करते हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप इसमें अभी भी बुकिंग करवा लें ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में। ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में जो मेनली कटिंग है वो 3.2 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला और एक केनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और कमर्शियल कैटेगरी है 2.66 मरला कमर्शियल और 4 मरला कमर्शियल। कमर्शियल में हमारे पास ये दो कैटेगरीज हैं। 3.2 मरला की जो टोटल प्राइस है कॉस्ट ऑफ लैंड वो 8 लाख रुपए है, बुकिंग सिर्फ 80,000 रुपए से। 5 मरला की टोटल प्राइस कॉस्ट ऑफ लैंड 12.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए से इसकी बुकिंग है। 7 मरला की टोटल प्राइस है 16 लाख रुपए और बुकिंग अमाउंट है 1,75,000 रुपए। 10 मरला की 22 लाख रुपए टोटल प्राइस कॉस्ट ऑफ लैंड और बुकिंग अमाउंट है 2,20,000 रुपए। 14 मरला की टोटल प्राइस है 27,50,000 रुपए और बुकिंग अमाउंट है 2,75,000 रुपए। एक केनाल की टोटल प्राइस 40 लाख रुपए और बुकिंग अमाउंट है 4 लाख रुपए। इसी तरह जो कमर्शियल कैटेगरी है 2.66 मरला की जो टोटल प्राइस है वो 22 लाख रुपए और बुकिंग अमाउंट 2,20,000 रुपए। और 4 मरला की टोटल प्राइस 32 लाख रुपए है और बुकिंग अमाउंट 3,20,000 रुपए। तो व्यूअर्स, बहुत ही कंपेटिटिव प्राइसेस पे हमें ये करंटली मिल रहा है और इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे है 4.5 ईयर्स के। और इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इसमें IGI से सारे प्लॉट्स इंश्योर्ड हैं। जिसने भी इसमें बुकिंग करवाई या फ्यूचर में करवाएगा तो उसे IGI की लाइफ इंश्योरेंस, फ्री लाइफ इंश्योरेंस मिल रही है। खुदा ना खास्ता बुकिंग करवाने के बाद किसी की अगर डेथ हो जाती है तो जो उसके लीगल हेयर्स हैं उसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट या ये इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो भी रह गए होंगे इंस्टॉलमेंट्स, तो फ्री मिल जाएगा प्लॉट। तो ये बड़ी एक फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया है रियल एस्टेट में, वो भी रफ़ी ग्रुप ने करवाया, तो ये बड़ा अच्छा है। और क्रेडिबिलिटी, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ प्लॉट नंबर्स अलॉट होने जा रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव है। ये फाइल्स इंशाल्लाह अब इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी प्लॉट्स में और कंपेटिटिव प्राइसेस हैं। फ्यूचर गवादर का बहुत ब्राइट है। गवादर में बड़ी फुल फ्लेज डेवलपमेंट चल रही है इस वक्त। और गवादर के प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसमें ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है जो कि 12 लेन रोड है, पोर्ट को कनेक्ट कर रही है मकरान कोस्टल हाईवे के साथ, उसका इफ्तिताह हो गया है। एयरपोर्ट पे फुल फ्लेज डेवलपमेंट चल रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और एशिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है 4,300 एकड़ में, तो उसका भी इंशाल्लाह इफ्तिताह है 2023 सितंबर में। उस पर भी चाइना की सारी लेबर लगी हुई है। अभी मैं रिसेंटली गवादर से होके भी आया हूँ फेबररी में और मैं तो आई विटनेस हूँ इसका कि वहाँ पे डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और ये जो सारी चीज़ें ये कंप्लीशन की तरफ है। नेटवर्किंग, रोड नेटवर्क कंप्लीट हो गया हुआ है, सीवरेज और आप कह लें कि कम्युनिकेशन लाइंस,
और इंडस हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन हुई है अभी रिसेंटली। तो इसमें गवादर में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है लेकिन प्रॉस्पेक्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है, टूरिज्म में आपको खूबसूरत बीच मिलेंगे वहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा इन्होंने डेवलप कर रहे हैं। चाइना सारा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, टोटल जो इन्वेस्टमेंट करनी है चाइना ने 62 to 63 billion dollars की करनी है, जिसमें से ये 33 billion dollars इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं। आप नेटवर्किंग देख रहे होंगे, ये कराकरम हाईवेज बन रही हैं, डैम्स बन रहे हैं आपके नॉर्दर्न एरियाज में, ये सारा सी पैक का बेसिकली रूट बन रहा है, हर चीज़ को रिलेट किया जा रहा है सी पैक के साथ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसी के साथ साथ आपको टूरिज्म का स्कोप, बेसिकली ये विंटर्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन है फ्यूचर की। समर्स में हम जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में और विंटर्स में हम जाएंगे यहाँ पे गवादर में इंशाल्लाह। एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने के साथ हम इसकी जो कनेक्टिविटी है वो ईजी हो जाएगी इन्वेस्टर्स, और एयरपोर्ट के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें बदलेंगी और गवादर में एक बूम आएगा। तो इस यही टाइम है व्यूअर्स इसमें यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। अगर आप यहाँ पे अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं या आपको ग्रीन पाम्स गवादर हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी भी किस्म की डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।